गाड़ी पानी पूरी का इंजीनियरिंग क्यों हम जेल जाएंगे? हम लोग नहीं ले सकते इधर ना, लेंगे भी यहाँ की कोई नागरिकता हो उसके नाम से ही ले सकते हैं। चलो ना। थैंक यू भाई, फाइनली 4 महीने बाद अपने एटीएम आ गए। नेपाल में एटीएम यूज करते हैं तो पिन कैसे जनरेट करते हैं बताते हैं। सबसे पहले आप कार्ड अपना इंसर्ट करेंगे। थैंक यू। फिर से नाम बताइए। रवि प्रताप सिंह। ओके बाय बाय। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैठे हैं, ईवी व्हीकल्स में बैठे हुए हैं। इतना तो टी स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन आवाज नहीं करती है जितना अपनी ईवी आवाज करते हैं। ईवी कर रही है, बगल वाले भी कर रहे हैं। अप्रॉक्स 5-6 महीने से नेपाल में ही रह रहे हैं तो हम लोग के पास आईसी नहीं था और यहाँ इंडिया में आ गए तो फिर आईसी से बात होने लगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है आईसी को लेकर और नेपाली को लेकर। उसको देख के गांव की याद आ गई। नेपाल में भी धान की गड़ाई हो रही है। नेपाल में चावल नहीं खाते यहाँ, सॉरी मतलब नेपाली लैंग्वेज मैंने यूज कर दिया। यहाँ चावल को चामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चामल। तो जिस देश की भाषा है जहाँ रहते हैं वहाँ का यूज करते हैं। लॉन्ग टाइम यार, फिर से वही ब्लॉगिंग वाली कहानी शुरू। बहुत दिनों बाद बना के काफी अच्छा लग रहा है। आज सुबह से बारिश, सुबह मुझे लग रहा है 3 बजे से ही बारिश हो रही है। 6 बजे ड्यूटी मुझे जाना था तब भी यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 3:15 और अभी कहाँ जा रहे हैं बताते हैं आपको। ले भाई आ गए अपने मेन हाईवे पे, 4 लेन पे, 2 लेन 2 लेन मतलब 4 लेन। ये सीधे विराटनगर और इधर इंडिया, इधर नेपाल इधर इंडिया। मुझे लग रहा है 1 महीने के बाद जा रहा हूँ विराटनगर, मतलब नेपाल टू इंडिया, इंडिया जा रहा हूँ। कुछ काम है, सारी चीज़ आपको बताता हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपनी गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठता हूँ। पीछे बैठ जाओ ना, पीछे जगह खाली है। ओ भैया अपनी टुक टुक। बस मौसम साफ हो गया है और जहाँ जाना है वहाँ 1-2 घंटे का जर्नी है, बस उस समय बारिश ना आए क्योंकि यहाँ बारिश का कोई नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। मेरे साथ में और मेरा भाई है, चेहरा नहीं दिखा सकता। वो 4-5 महीने वेट करने के बाद फाइनली वो चीज़ आ गई है। क्या? अपना एटीएम। भाई कसम से इतना तो इंडिया की कोई भी एटीएम, जैसे कि आई सी लेके पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोई भी बैंक इतना डिले नहीं करती एटीएम को लेके जितना यहाँ मेरा डिले हुआ। हर महीने इसी रोड पे आना और जाना, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हमेशा लगी रहती है। और एक्चुअली यहाँ बड़ा लफड़ा हो जाता ना भारू और इंडियन। आपको क्या बोलूँ, पेट खराब हो गया। नहीं नहीं भाई साहब को मैं बोलूँ क्या? भाई साहब खुद मुँह से बोलती है। इधर चलते हैं ना, कोई रास्ता है? कन्फ्यूजन, घोर कन्फ्यूजन। इतना तो याद है एक बार इस रास्ते पे आए थे, लेकिन ये नहीं याद है कि इसी वे को फॉलो किए थे कि कौन से वे को फॉलो किए थे। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी हम लोग हैं विराटनगर। ये नहीं है प्रदीप, नागिन पुचका सेंटर, नागिन सॉरी नवीन। अरे जैसे पढ़ाई लिखाई पे धिक्कार है यार प्रदीप तेरे पढ़ाई लिखाई पे। तो भाई तुम्हें तो बोल रहे हो नागिन और नवीन है। मैं नहीं बोला हूँ। और पानी पूरी का इंजीनियरिंग। अच्छा इंजीनियरिंग में कहाँ बताया जाता है कि प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत हो जाए तो उसको फिर ठीक है। सीधे हम लोग आ गए तो आ तो गए बढ़िया यार, यहाँ से 10-5 मिनट लगेगा बैंक पहुँच जाएंगे। विराटनगर की गलियों में भटक रहे हैं फिर भी। शायद आगे वो मॉल है, सेंट्रल मॉल है, देखो दिखा ना यार, हम सेंट्रल मॉल के लिए गए थे। हाँ सेंट्रल सीधे अगर चले जाएंगे तो बैंक जाना। हाँ तो सीधे चले जाएंगे, मैं बैंक का बता रहा हूँ ना। अगर इधर आप जाएंगे तो सेंट्रल मॉल के बीच से होके भी क्रॉस करके जा सकते हैं, लेकिन इसी रोड को अगर सीधे फॉलो करेंगे तो आप NIMB आ जाएंगे। भाई साहब सुपर भाई मेरे साइड में आ रहे, क्या गाड़ी है यार। इसका पीछा मैं कर रहा था, पीछा नहीं कर रहा था मतलब हम लोग ऑटो से आ रहे थे तो मेरे सामने से भन्न करके गई, बट उस समय कैमरा नहीं ऑन था। और इस सुपर बाइक की जो आवाज़ होती है ना, आएगा वो भी समय आएगा, एक दिन सुपर बाइक लूँगा। और यहाँ नेपाल में अक्सर ही इतना मतलब 4-व्हीलर को 2-व्हीलर को क्या गजब का मॉडिफाई करा के चलते हैं यहाँ, एक अलग ही शौक है यहाँ का। रोड पता कौन है? तुम टेंशन ना लो, अंदर से वो वाला है। ये सीधे भी जाओगे तो आगे जाएगा, फिर वहाँ से सीधे हम लोग NIMB बैंक चले जाएंगे। तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ। टाइम का कंज्यूमिंग हो रहा है ना। क्या क्या टाइम का कंज्यूमिंग? फाइनली एक बार और देख लीजिए। अरे यार हम लोग के प्राइमरी स्कूल में यहाँ के प्राइमरी स्कूल में सेम अंतर है, मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों के। फाइनली ये अपने आगे सेंट्रल मॉल है, बैक साइड की है, फ्रंट साइड में कुछ काफी अच्छा ज्यादा लुक है। एक बार हम लोग शायद इसी में आए थे ना प्रदीप, इसी रास्ते से अंदर गए थे फिर बारी बार फिर बैंक चले गए थे। अगर आज का पूरा ब्लॉग इसी में चला जाए, सीधे चलो ना, सीधे चलो अंदर। नहीं मॉल होते हुए नहीं, मॉल होते हुए नहीं जाएंगे ना, सीधे हम लोग जाएंगे। अगर अपनी कुछ बाइक होती ना, कहाँ हम गिरा
अरे कोई रखा होगा आम, यहाँ आम क्या गिरेगा, पता चले ले लो। एक चीज खलती क्या है, अगर ये अपना शहर रहता, अपना गांव रहता, अपना देश रहता, तो अपनी बाइक भी रहती और उतना कम चलना पड़ता। यहाँ क्या है, बाइक ले भी नहीं सकते, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बाइक ले भी नहीं सकते और चलना काफी दूर हो जाता है। जेल जाने का, जेल जाने का डर है, बोल रहा हूँ जेल जाने का, जेल नहीं भाई, की क्यों हम जेल जाएंगे, हम लोग नहीं ले सकते इधर ना, लेंगे भी यहाँ की कोई नागरिकता हो उसके नाम से ही ले सकते। तो मैं आपको बताना भूल गया, एक्चुअली पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत लोगों को लगा कि मैं यूट्यूब छोड़ दिया, भाई यूट्यूब नहीं छोड़ा था, उसका कुछ रीजन हो गया था, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसका रीजन अभी मैं बैठ के आपको विस्तार से बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, 4 महीने के बाद मेरा आज ATM आया है, उसको लेने जा रहा हूँ। फाइनली बैंक से कॉल आ गई, मुझे तो भाई भरोसा उठ गया था कि नहीं आएगा, लेकिन 4 महीने के बाद फाइनली ATM का कॉल आ गया, जा रहा हूँ आज अपना ATM लेने। अब भाई साहब नेपाल में भी पैसा पैसा निकाल सकते हैं। फाइनली यहाँ से यहाँ तक, ये सेंट्रल मॉल का बैग है, पर ऐसा यहाँ जब भी आता हूँ एक चीज याद आती है, उधर पोल है, पतिपुर पे 3 बार लड़ा था पोल पे, पिछले वीडियो में साथ में दिखाया था, पिछले वीडियो में नहीं, काफी वीडियो पुराना हो चुका है। सेंट्रल मॉल जाने के लिए आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं और बैंक जाने के लिए आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को बैंक जाना, सेंट्रल मॉल नहीं जाना है, सेंट्रल मॉल कभी और घूमेंगे, और यहाँ से कहीं और भी जाना है, बस आप वीडियो में बने रहे, आपको सारी चीज पता चलेंगी। और नेपाल में अपना राजस्थानी ढाबा, एक दिन मैं यहाँ आया खाने, बट उतना कुछ वैरायटी नहीं था। ठीक है, अपना बैंक का काम निपटाते हैं, वहाँ से ATM अपना कलेक्ट करते हैं, बैंक का वीडियो नहीं बनाऊंगा ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन, तो ATM लेने के बाद मिलते हैं। होल्डर कार्ड नेम, नाम नाम, चलो ना, थैंक यू भाई, फाइनली 4 महीने बाद अपने ATM आ गए। ICRA नेपाल होता है यार, गजब इंसान लिखा ICRA। फाइनली ATM मिल गया, अब जा रहा हूँ इसका पिन जनरेट करने, आज आपको भी दिखाऊंगा कि नेपाल में ATM पिन कैसे जनरेट करते हैं, सारी चीज मिलेगी यार, टेंशन ना लो। कुछ ऐसा है NIMB का ATM, यहाँ से हम लोग पिन जनरेट करेंगे। तो आपको अगर ATM नेपाल में ATM यूज करते हैं तो पिन कैसे जनरेट करते हैं बताते हैं। सबसे पहले आप कार्ड अपना इंसर्ट करेंगे, कार्ड अंदर गया, यहाँ आएगा, आपको ग्रीन पिन मिलेगी 4 अंक की। आ जा भाई, गजब बेइज्जती हो गई यार, प्लीज वेट, ग्रीन पिन है, जैसे ही आप ग्रीन पिन यूज करेंगे आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर अपना आप प्लीज इंटर योर न्यू पिन, अपना न्यू पिन इंटर कर सकते हैं, ये हो गया आपका कंफर्म, ये पर दोबारा री एंटर, ये हो गया आपका स्टेटमेंट निकल गया, ATM आ गया, धन्यवाद। बहुत छोटी सी प्रोसेस थी, अब एक बार स्टेटमेंट, हाँ अभी एक बार स्टेटमेंट चेक करने के लिए देख लेते हैं कितना रुपए है। अब क्या मतलब पैसे भी देख के जाओगे क्या, बाद में मिलते हैं यार, कम से कम कुछ तो सिक्योरिटी रहने दो। सो गाइस, वहां पूल है, सॉरी पूल बोल रहा हूँ, पोर्ट, इसी पोल में वो बंदा लड़ा हुआ था जो मेरे पीछे बगल में बैठा हुआ है। भाई तुम कैमरे में दिख जाओगे, बेइज्जती हो जाएगी, तुम चले जाओ। फाइनली अपना बैंक वाला काम हो गया, बहुत इजी प्रोसेस थी यार, ये इंडिया में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, जब आपको न्यू पिन जनरेट करनी होती है तो बैंक से कॉल आएगा, आप जाइए अपना अकाउंट रिसीव करिए, फिर वहां से 24 घंटे के लिए एक ग्रीन पिन आती है जो कि आपको अप्लाई करके न्यू पिन जनरेट करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल आसान। मैं आपको दिखाया भी करके कोशिश करूंगा इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूं, दो से तीन मिनट का, इतना आसान ना, कसम से मजा आ गया भैया। लेट हो रहा है तो अभी हम लोग यहाँ से विराटनगर से जा रहे हैं महेंद्र चौक से जुगबनी से जाएंगे फॉरबिसगंज, वहाँ कुछ काम है, मतलब इंडिया, नेपाल टू इंडिया विदाउट वीजा। भैया बोले मैं नहीं बोला, WTV विदाउट वीजा, WTT विदाउट टिकट, ये मेरे साथ में बैठा है जाता है विदाउट टिकट, कहीं जाता है विदाउट टिकट। अच्छा नहीं बताना था, सॉरी गाइस, ये नहीं जाता है, बोला था कुछ मैंने, तुम कहाँ बोल रहा हूँ, नहीं जाते हो। चैनल का नाम रवि प्रताप बाबू नहीं है, रवि प्रताप सिंह नाम है जी, बाबू के नाम से थोड़ा फेमस है इसलिए बाबू के, ठीक है बाबू थोड़ा सा ज्यादा लगता है बाबू। हाँ
नहीं नहीं रवि प्रताप बाबू ने, ये बाबू ने मेरे को फेमस कर दिया बाबू बोल के, ऐसा बाबू कुछ है नहीं भाई साहब। ठीक है एक घंटे का सफर और है, उसके बाद आते हैं उधर से, आते वक्त आई थिंक शाम हो जाएगी। और जो बनी में भी कुछ काम है, शॉपिंग वॉपिंग से रिलेटेड कुछ कपड़े कपड़े लेने हैं। रवि प्रताप सिंह, ओके बाय बाय। अंकल जी काफी इंटरेस्ट ले रहे थे बोले अंकल जी किस काम से आप आए, तो बोले कुछ फैमिली गैदरिंग था एंगेजमेंट यार बर्दी डोंट टॉक फैमिली गैदरिंग बोला, मेरे को एंगेजमेंट सुनाई दिया क्यों क्यों इसे ठंडे मौसम में टुक टुक से चलना मजा आता है, चारों तरफ का सीन देखते जाओ। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीना चाहिए। मतलब जिसको अगर दारू पीना हो तो नेपाल में आके घूमे और दारू पिए, है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा प्लीज। अगर लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, हाँ बाकी जो है तो कभी कभी होता है, ये वीडियो फॉर ओनली उनके लिए है जो कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। भाई हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैठे हैं, ईवी व्हीकल्स में बैठे हुए हैं, इतना तो टी स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन आवाज़ नहीं करते जितना अपनी ईवी आवाज़ कर रही है। अरे साला ये भी कर रही है, बगल वाली भी कर रही है भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना आवाज क्यों कर रही है, आखिर ये बैटरी वाली है ना, इसमें इंजन नहीं लगा है, कितना आवाज कर रही है, मोटर आवाज कर रही है भाई, टू स्ट्रोक इंजन भी इसके आगे फेल है गजब का साइलेंसर लगा रहे हैं जैसे लग रहा है। इंडिया से कनेक्शन हुआ नहीं, मैसेज पे मैसेज आने शुरू हो गए, एक्चुअली इंडिया वाली नंबर चालू हो गई ना, और यहाँ भी एक बाइकरों की गुट जा रही थी, देख के बहुत अच्छा लगा यार, तब अपना दिन आएगा बाइक से लेके आगे गोप्रो कैमरा लगा के चल रहा, पर यहाँ बॉर्डर का लग रहा है कुछ काम हो रहा है, तो फाइनली गाइस ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर, अभी मैं नेपाल में हूँ, आगे चल के इंडिया में आ जाऊँगा, फिर वहाँ से जाना है, एक्चुअली अभी डिसाइड नहीं है कौन कहाँ जाएगा, मैं तो या तो जोग बने रुक जाऊँगा कि बाइक को आगे कहीं जाना है, या तो दोनों साथ चलो भैया। आजकल फिर गनीमत है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पानी नहीं भरा हुआ है, आ गए अपने हम बिहार, तो फाइनली जो बनी को फॉरबिसगंज के लिए ऑटो मिल गई है, अब सीधे चलते हैं फॉरबिसगंज, दो हजार भाई साहब ये मार्केट में इतना रफ रहता है ना, तो ठीक है फाइनली देखते हैं। बॉर्डर का फ्लो देखो, ये है बाढ़ का कहर, और आजकल इंडिया में नहीं अमेरिका से लेके हर जगह बाढ़ का कहर बहुत ज्यादा है। ये था रमपाम परमान नदी मीरगंज चौक, लो भैया वेलकम है जी फॉरबिसगंज, ये फॉरबिसगंज का पूरा इलाका, भाई बारिश का मौसम बन रहा है, सरयू मिस्र बस पड़ाव, ये बस स्टैंड है, यहाँ से दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू कश्मीर और बहुत सारी जगह जा सकते हैं, मुजफ्फरपुर पटना बनारस कुशीनगर गोरखपुर बस्ती फैजाबाद लखनऊ आगरा, क्या मतलब पूरा इतिहास पढ़ के बता दूं क्या, बस जा सकते हो यहाँ से हर जगह जा सकते हो। भाड़ा देने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली हम लोग अप्रॉक्स 5-6 महीने से नेपाल में ही रह रहे हैं, तो हम लोग के पास आईसी नहीं था, और यहाँ इंडिया में आ गए तो फिर आईसी से बात होने लगी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है आईसी को लेकर और नेपाली को लेकर, नेपाली करेंसी और इंडियन करेंसी को लेकर, तो ठीक है यहाँ कुछ अपना काम है, एक दो काम को निपटाते हैं, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर मौज उड़ाएंगे। अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं, मतलब इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ फॉरबिसगंज तक आ जाते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सोचा दे दूँगा आपको, भाई साहब यहाँ इतने होटल हैं, इतने रेस्टोरेंट हैं, कहीं मुरादाबादी बिरयानी, कहीं कुछ बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, लेकिन चल रहा है सावन का महीना, बिरयानी खा नहीं सकते, नॉन वेज खा नहीं सकते, तो बस अभी वेज ही चल रहा है, वही आलू भिंडी ननुआ
तो हाँ, मैं बात भूल गया, होटल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, तो आपके लिए होटल की व्यवस्था है। आप यहाँ सच्चा होटल है, वहाँ आप रह सकते हैं। अभी हम लोग हैं पासवान टोला, फॉरबिसगंज पासवान टोला, जिस भी एड्रेस पे हम लोग को जाना है, जिससे पूछो साला वही बोल रहा है कि आज भी मेरा पहला दिन है। अरे मतलब क्या सब लोग इधर पहले दिन आए हो हम लोग की तरह? जब है यार, बाइक से घूम रहे हैं, टीवी टावर से उधर है, टीवी टावर के पास जाना था, शायद यही ना हो, यहाँ तो आलू बिक रहा है बे, यही है पर शायद, देखो पैकिंग करके रखा हुआ है, पूछो। तो फाइनली गाइस जिस काम से आए थे वो काम 100% सक्सेसफुल हो गया, मतलब बैंक वाला भी, नेपाल में भी काम, मतलब आज का निकलना सफल हो गया। क्यों? आज हम लोग बैंक वाला भी काम, मेरा एटीएम मिल गया, और यहाँ हम लोग फॉरबिसगंज मतलब बिहार आए थे किस काम से, कुरियर लेना था। एक्चुअली क्या होता है, फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑर्डर करें तो नेपाल में वो नहीं आता है, मतलब नेपाल एक तरह से दूसरा देश हो गया। अब वहाँ का क्या है एड्रेस, कौन सी शॉपिंग ऐप है, आई डोंट नो, बट यहाँ हम लोग फ्लिपकार्ट से नाइकी का शूज मंगाए हुए थे। तो उसके लिए भाई ये प्रॉस कितना किलोमीटर होगा, कितना सारी। जो भी हो, तो दो घंटे ट्रेवल करने, हाँ 30 किलोमीटर, जो भी हो, 2.5 घंटे लगे ट्रेवल करने में। तो 2.5 घंटे ट्रेवल करके आए फाइनली। वैसे यकीन नहीं था कि मिल जाएगा, क्योंकि शाम के एक्चुअली हो रहे हैं 5:40 हो रहे हैं, ऐसा लगता कि 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगा, बट बंद नहीं हुआ, फाइनली अपना काम हो गया। और ये क्या है भाई, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ है। तो फिर चलते हैं इसको, मैं फाइनली खोल के दिखाऊंगा। अभी कुछ खाते पीते हैं, बहुत तेज प्यास लगी है। उसके बाद भाई जूता आया तो भाई का पार्टी होगा यार, नाइकी का सूज है, क्या गजब का कलर कॉम्बिनेशन, आप देखोगे ना कहोगे वाह क्या सूज लिया है। सब पार्टी होगी क्या, मिठाई देखते हैं, मिठाई का मना गया, नेपाल में तो कोई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो पानी भी मीठा लेते हैं ना, मीठा लेते हैं, ले लो ये दो पानी, एक एक पीस दे दीजिए खाने के लिए, फुल पार्टी है भाई। लो भाई फाइनली मिठाई आ, कैसा है आपको तो पता चल गया कि ठीक नहीं है, ठीक है मिठाई खाते हैं, मीठा तो खा लिया बट सेटिस्फाई नहीं हुए, वो मजा नहीं था यार, छेना है ना, बिल्कुल नहीं, ना मीठा था ना कुछ था, ऐसा लग रहा था पाउडर वाला। तो पैदल चलने की बैठा, अभी पैदल चलो ना वहाँ तक, उसके बाद चला जाएगा, जब एंजॉय करना, अपना मेन काम हो गया, अपना मेन काम सूझ लेना था पूरी से। सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि वीडियो को कट करने का, एक्चुअली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम में व्लॉगिंग किया ना, मतलब 15 दिन तो हो ही गए थे, उसका एक मेन रीजन था ना, एक्चुअली जितने भी मेल आईडी होते हैं आपकी यूट्यूब की या कोई भी मेल आईडी होती है, उसमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन आजकल के समय में लगा रहता है, तो मेरा ऑटोमेटिक आई डोंट नो कैसे लॉग आउट हो गया, और मैं यहाँ नेपाल में, भैया मेरा सारा उसमें जो बैकअप के लिए था वो इंडिया का नंबर था, बैकअप के लिए मेल था वो भी, उस पर भी मेल नहीं, उस पर मेरा ओटीपी नहीं आ रहा था, मैं दो चीज से कर सकता था, या तो अपने नंबर पे ओटीपी, 2-स्टेप वेरिफिकेशन के लिए नंबर पे ओटीपी ले सकता था, या तो बैकअप जो मेल आईडी पड़ी है उससे भी ले सकता था। ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल से क्या हुआ कि बैकअप वाला भी मेरा ओरिजिनल ईमेल आईडी है जिससे मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, वो भी लॉग आउट हो गया, तो उसके लिए मुझे इंडिया जाना पड़ा। तो मेरा एक मेन मकसद ये भी था कि मैं अपने मेल आईडी को रिकवर कर सकूं और वीडियो फिर से अपलोड कर सकूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई सोशल मीडिया, आई थिंक फेसबुक पे तो उतना मैं एक्टिव होता नहीं, इंस्टाग्राम पे था तो कभी कभी फोटो डाल देता था, अक्सर मैं एक्टिव ज्यादा यूट्यूब पे ही रहता हूं, क्योंकि अच्छा लगता है, मजा आता है वहां लोगों के साथ, एक अलग ही मजा होता है लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करने का, बातें करने का, आप कमेंट मेरा वीडियो, मतलब काफी अच्छा लगता है, तो मैं यूट्यूब पे काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। सो गाइज, इसके आगे का वीडियो 100% मैं डाल देता, बट वीडियो काफी लंबा हो जा रहा था, मैं नहीं चाहता कि वीडियो में कुछ कट करूं, इसीलिए जो है सो अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में पक्का मैं बताऊंगा जो मैं सूज लिया ना भाई, आप भी देखोगे क्या सूज है, एकदम सरप्राइज मैं बता दूंगा, सारी चीज बताऊंगा, कहां से लिया कहां से नहीं लिया, लेकिन एक अच्छे दाम में बढ़िया सूज मिल गया, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे कहीं ज्यादा अच्छा सूज निकला। सो फ्रेंड, इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करना चाहूंगा, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, यहां तक देखने चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और प्लीज कमेंट करके बताएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हम भी अंदर से मोटिवेट हो और आपको भी ऐसे मोटिवेट करते रहे। बाय बाय दोस्त।